महिला को अगवा कर दो सिपाहियों ने गैंगरेप को अंजाम दिया है। बता दें कि वर्दी का रौब दिखाकर सिपाहियों ने गैंगरेप किया है। पुलिस या रौब दिखाकर महिला को पहले अगवा किया गया, फिर रेलवे स्टेशन के पास एक कमरे में ले गए जहां पर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि पहले पिलाई गई थी शराब, विरोध किया गया तो पिटाई भी इस दौरान महिला की गई। तो गैंगरेप के बाद सिपाहियों ने पीड़िता को रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दिया। 1 बजे रात पीड़िता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा गया और ऑटो कर स्टेशन से अपने घर जैसे तैसे हालत में पहुंची। तो एसएसपी ने फिलहाल जांच के लिए कई टीमों को लगवा दिया है। रास्ते की सीसीटीवी की भी जांच हो रही है। तो आखिर में अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसे में क्या उम्मीदें जनता उस प्रशासन से लगाए जिसको जिम्मेदारी दी जाती है जनता की सुरक्षा की। और ऐसे में सवाल एक बार फिर से गोरखपुर की इस खबर से उठ जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक महिला का गैंगरेप किया गया है। 2 सिपाहियों ने इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि वर्दी का रौब दिखाकर महिला को पहले अगवा किया गया और फिर रेलवे स्टेशन के पास एक कमरे में ले जाकर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस दौरान कहा जा रहा है कि महिला को शराब भी जबरदस्ती पिलाई गई और जब महिला विरोध कर रही थी तो उसकी जमकर पिटाई भी की गई है। तो एसएसपी ने फिलहाल आपको बता दें कि जांच के लिए कई टीमों को गठित किया है। गैंगरेप के बाद सिपाहियों ने रेलवे स्टेशन पर ही उस पीड़िता को छोड़ दिया। जैसे तैसे वो घर पहुंची तो वर्दी का रौब दिखाकर सिपाहियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है और जल्द ही अब इन पर कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी।